तो गाइस मुझे पता चला है कि जो भी जना इस स्कूल से ग्रेजुएट करेगा उसको मिलने वाला है अल्ट्रा गॉड कार्नेज का सूट। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं इस स्कूल के अंदर और सारी सारी क्लासेस क्लियर करके हम यार वो गॉड सूट कैसे भी करके लेके आएंगे, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपनी पहली क्लास में और ये जो सूट है गॉड सूट गोल्डन कलर का ये मुझे चाहिए, पर इसके लिए मुझे करनी पड़ेगी टेस्ट क्लास। तो अभी मुझे ये जो मास्टर है हमारे वो बताने वाले हैं कि मुझे क्या करना है अपनी पहली क्लास में। तो मास्टर जी मुझे फटाफट से बता दो मुझे कैसे भी करके ये वाला सूट चाहिए, कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है ये। अगर तुमको अपनी फर्स्ट क्लास पास करनी है तो तुमको मारना पड़ेगा स्पाइडरमैन को। जितनी जल्दी तुम स्पाइडरमैन को मारोगे उतनी जल्दी दूसरी क्लास में जाओगे। 3, 2, 1 गो। अरे क्या स्टार्ट भी कर दिया साले, स्पाइडरमैन रुक जा कहां भाग रहा है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, इसको मेरे को मारना पड़ेगा तभी मैं अपनी अगली क्लास में जा पाऊंगा। रुक जा रुक जा रुक जा, ये अरे यार ये तो बच गया। अबे रुक जा स्पाइडरमैन, तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अरे मुझे छोड़ दो, अरे मार दिया रे। अबे साले ये निकल यहां से, अभी मैंने इसको मार दिया पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। एक काम करते इसके पे मिसाइल लॉन्च करते, ये ले। आखिरकार मैंने स्पाइडरमैन को मार दिया। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने स्पाइडरमैन को तो मार ही दिया और ये सूट भी दे रही, तो अभी दे दो ना ये सूट। अरे बच्चे ऐसा नहीं होगा, तुझे अपनी अगली क्लास में जाना पड़ेगा, उससे पहले मैं तुझे एक नॉर्मल सूट देने वालों कार्नेज वाला, ये ले। और भाई साहब ये सूट तो बहुत ही ज्यादा मस्त सा है, पर यार मुझे गॉड वाला सूट चाहिए, वो दे दो ना, इधर ही तो पड़ा है। अरे नहीं बच्चे, पहले सारी क्लास क्लियर कर फिर तुझे दूंगा, जा अभी सेकंड क्लास में। अच्छा ठीक है मैं जाता हूं अपनी सेकंड क्लास में। अरे बच्चे अब तेरी बारी अगली क्लास की, तुझे बनना पड़ेगा इविल कार्नेज। अभी तो एक नॉर्मल सा कार्नेज है, तुझे ये जो तेरा एंगल का मीटर है इसको बढ़ाना पड़ेगा 100 तक, अब ये सिर्फ 10 पे है। देखो कम से कम इसको 100 लेके जाना पड़ेगा तभी तू बन पाएगा इविल कार्नेज, और ये सेकंड क्लास पास करना पड़ेगा। तो तुझे मचाना है हल्ला इस पूरे बीच में ताकि तेरा 100 हो जाए वो कार्नेज का मीटर। तो जा और कर दे 100 मीटर। अरे ठीक है मैं समझ गया मुझे क्या करना है, मुझे इस मीटर को 100 तक लेके जाना पड़ेगा जो कि अभी सिर्फ 10 पे है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, अभी मैं किसी को भी छोड़ने वाला, अभी मैंने ये मिसाइल लॉन्चर निकाले जिससे मैं उड़ाने वाला हूं लोगों को। ये लोग गोलियां खाओ, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, सबको मार दूंगा। धीरे धीरे मेरा मीटर बढ़ रहा है पर मुझे और तेज बढ़ा रहा है, इसलिए मैं और तेज मारूंगा। ये निकल यहां से, सबको आग लगा दूंगा, पूरा का पूरा बीच जला दूंगा, आज तो मजा आने वाला है। तो गाइस यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, जब तक हमारा एंगल का मीटर भर रहा है फटाफट सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर देना। आंटी कैसे हो, एक काम करते हैं इसके ऊपर अपन डालते पेट्रोल, ये लो आंटी के ऊपर हमने पेट्रोल डाल दिया है, अभी फटाफट से यहां पे लगा देते हैं। और आग और आंटी जल चुकी है और हमारा एंगल का मीटर 50% पे पहुंच गए, अभी हमें 50% और बढ़ा रहे, तो और फटाफट से थोड़ा हल्ला मचाते हैं। काम करते हैं यहां पे हमने पूरी पूरी पेट्रोल लगा के पूरी की पूरी आग लगा दूंगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और मेरा एंगल का मीटर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब मैं इविल कार्नेज बनता जा रहा हूं। ये लो पूरी की पूरी आग लगा दूंगा मैं। अरे मुझे बचा, मम्मी गुम हो गई। ए बच्चे तू अभी ये कर रहे हैं, अरे मेरी मम्मी गुम हो गई, अंकल मुझे बचा लो ना। हाँ बेटे मैं तेरे को बचाऊंगा। देखो ये मैं करना नहीं चाहता पर मुझे इविल कार्नेज बनना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। और 3, 2, 1 और बूम। तो गाइस यार हमारा आखिरकार 100% एंगर मीटर बढ़ चुका है। उस यार बच्चे को पता नहीं क्या वो कहाँ चला गया, मुझे समझ नहीं आया। बहुत बढ़िया, ये टेस्ट तूने क्लियर कर लिया और अब तो बन चुका है इविल कार्नेज, अब मैं तुझे नया सूट देने वाला हूँ, ये ले। अरे भाई साहब ये वाला सूट तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, मैं कितना ज्यादा खतरनाक वाला कार्नेज बन चुका। और ये जो जिसने मुझे ये सूट दिया तो वो भी मेरे सामने कमजोर लगने लग गया है, पर अब सिर्फ आखिरी क्लास बाकी है, अगर वो मैंने क्लियर कर दी उससे मुझे मिलने वाला है द गॉड अल्ट्रा वाला कार्नेज सूट, है ना। अरे हाँ हाँ तुम्हें सूट मिल जाएगा अगर तुमने वो क्लास क्लियर कर दी, और उसमें तो मैं भी हूँ उस क्लास में। क्या मतलब? अरे उस क्लास तक तो मैं भी नहीं पहुंच पाया, अब मैं जाने वाला हूँ, अब अपन सब साथ में कंपटीशन करेंगे। चलो चलो ठीक है देखते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ पानी में नहाने, चलो। तो गाइस यार इन्होंने अभी मुझे समझा दिया कि इस लेवल में जीतने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे सबके पास गन्स मिलने वाली है, यहाँ पे सारे सारे कार्नेज वेनम सब खड़े जिनको यार वो गॉड कार्नेज वाला सूट चाहिए, तो सब एक एक वेपन अपने पास ले लेंगे और सब करेंगे आपस में लड़ाई, जो भी जीतेगा उसको मिलने वाला है वो गॉड कार्नेज वाला सूट, तो मुझे पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी गन पड़ी, कोई अपनी कोई भी से भी गन ले सकता है, और यहाँ पे देख सकते हो भाई कितने सारे वेनम और कार्नेज है। तो अभी फटाफट से यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक गन, मैंने गन ले ली है और यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई।
ये ले साला ये लाल कार्ड ने जो मेरा हेड मास्टर बन रहा था उसको मेरे को मारना पड़ रहा है। फटाफट से अपन आरपीजी निकालते हैं और उसको मारते हैं। ये ले निकल यहाँ से। अभी भाई मैंने अच्छा है आरपीजी भी ले ली थी साथ में, और एक और वहां पे मुझे दिखा उसको भी फटाफट से फोड़ते हैं। इन सबको मैं आरपीजी से खत्म करने वाला हूँ क्योंकि मुझे वो गॉड सूट कैसे भी करके चाहिए। और ये एक और गया और ये डब्बे के पीछे छुपा हुआ है, और एक और वेनम को मैंने मार दिया है। और यहाँ पे और कोई किसी की आवाज आ रही है, यहाँ पे एक और कार ने ये ले इसको भी मैंने मार दिया। और ये आखिरी कार ने मुझे लगता है बचा है, इसको फटाफट से मारते हैं, इसको मेरे तोप छोड़ने वाला बिल्कुल भी। और ये भी खत्म हो गया, आखिरकार मैंने सबको खत्म कर दिया। अब और कोई बचा तो नहीं, पहले देख लेते हैं। अरे भाई सब लगता है मैंने सही में सबको खत्म कर दिया, अब वो गॉड कार्नेज वाला सूट मुझे मिल जाएगा। भाई सब मजे हो गए यार। बहुत बढ़िया बच्चे, अब तेरी उम्र हो चुकी है, तेरे में इतनी क्षमता है कि तू मुझे धारण कर सकता है, तो आजा फिर मुझे धारण कर ले। अरे भाई साहब ये सूट तो खुद यहाँ पे आ गया। आखिरकार इस सूट को मैं पहनने वाला हूँ, इसकी शक्तियाँ मुझे मिलने वाली है। ये सूट बहुत ही ज्यादा मस्त है। अरे ये कहाँ से आ गए? अबे ये कौन है? अबे ये इतने सारे स्पाइडरमैन कहाँ से आ गए? तुमने मेरे भाई को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अरे मैंने कब मारा? तुमने हमारे भाई को मारा है। अच्छा ये तुम्हारा भाई था क्या जिसको मैंने पहले लेवल में मारा था? अबे ये कहाँ चले गए? अबे ये इसको लेके चले गए सूट को। अबे अब मेरे को स्पाइडरमैन को ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई साहब ये तो उस सूट को ही लेके चले गए। मैं भी आ चुका हूँ स्पाइडरमैन के घर पे क्योंकि मैंने उनके भाई को मारा था, उन्होंने वापस बदला लेने के लिए वो सूट को ही लेके चले गए। और वो तीन स्पाइडरमैन आए थे, और मेरे में क्या भाई इतनी शक्तियाँ भी नहीं है भाई यार, मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी मैं उनके घर पे आ चुका और वो सामने मुझे सूट दिख गए, और भाई स्पाइडरमैन भी दिख चुके हैं। वो सूट को उन्होंने पानी में रखा है। मुझे यार अभी भी पता चला था जब मैं पानी में कूदा था कि यार कार्नेज को पानी से बहुत ही एलर्जी होती है, तभी उन्होंने पानी के अंदर रखा ताकि वो तड़पे। मैं गया था ना, मुझे भी यार बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, मुझे चुपचाप एक एक करके सबको मारना पड़ेगा। ये एक तो गया, अभी फटाफट जाके अपन छुप जाते यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे छुप जाऊंगा और ये दूसरे को भी मारते हैं, और ये निकल यहाँ से। और ये तीसरा है जो ज्यादा ही बोल रहा था ना, अब क्या करेगा बेटे अब बता, अब मैं तेरे को बिल्कुल भी छोड़ने वाला, वो सूट भी मैं ले जाऊंगा। अब इसको तो गुस्सा आ गया, अरे सॉरी सॉरी। अरे भाई साहब तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अब यार मुझे इससे लड़ना ही पड़ेगा कैसे भी करके। अबे ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगा, अब उठ के तो दिखा तू। तो गाइस आखिरकार मैंने इस स्पाइडरमैन को भी खत्म कर दिया, इन तीनों भाई स्पाइडरमैन को खत्म कर दिया। चलो फटाफट से चलते हैं यहाँ से। अरे अरे मैं तो सूट लेने आया था, मैं भूल ही गया था, मैं तो बहुत आगे निकल गया, फिर मुझे याद है मैं तो सूट लेने आया था। अभी फटाफट से वो सूट ले लेते हैं। तो गाइस आखिरकार ये अपना गॉड कार्नेज वाला सूट मुझे आखिरकार मिल चुका है, और अभी मुझे लग रही है बहुत ही ज्यादा भूख, इसलिए मैं इस वाले इंसान को खाने वाला हूँ, इस वाली आंटी को भी खा जाऊंगा। मुझे यार बहुत ज्यादा भूख लग रही थी पता नहीं क्यों, इसलिए मैंने उन सबको खा लिया, और हमें मिल चुके था अल्ट्रा गॉड कार्नेज वाली पावर्स। आप देख सकते हो मैं इस कार को भी खाने वाला हूँ क्योंकि भूख ही इतनी लग रही है। मतलब जब से मैं ये गॉड कार्नेज वाला सूट लिया है, मैं कम से कम 4 या 5 कार खा चुका हूँ, और बहुत सारे इंसान भी खा चुका हूँ। ये निकल यहाँ से भाई, देखो तो सही भाई कितनी ज्यादा तगड़ी वाली पावर से। मैं क्या काला धुआं बन जाता हूं अगर ज्यादा तेज भागता हूं तो, और मैं हवा में भी काला धुआं बन सकता हूं। मतलब ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली पावर्स हमें मिल चुकी है। और यार हमारे जितने भी दुश्मन थे जैसे कि वेनम, जो कि यार हमने यार गन वाली यार उस लेवल में हमने उनको सबको खत्म कर दिया था, और स्पाइडरमैन को भी यार मैंने सबको खत्म कर दिया है, तो अब मेरा कोई दुश्मन बचा नहीं है, और मैं बन चुका हूं द गॉड कार्नेज। अल्ट्रा वाला सूट भी मुझे मिल चुका है, तो मतलब फुल मेरे मजे हो चुके हैं। तो गाइस यार आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मुझे और भी भूख लग रही है, तो मैं फटाफट से कार खा लेता हूं, आप भी कुछ खा लो। तो गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके जरूर फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।